कोई फरवरी कहता है, कोई मई कहता है, लेकिन इस दिल की हालत तो केवल एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट समझता है। जी हां स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल पर मैं मोहित कुमार कश्यप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां स्टूडेंट, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम का फॉर्म फिल किए एक जमाना हो गया, जी मार्च में नोटिफिकेशन निकला था एनटीपीसी का, और मार्च के अंत तक ही नोटिफिकेशन आया था आपके ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। लेकिन एग्जाम होना था जुलाई अगस्त में एनटीपीसी का, और उसके जस्ट बाद में कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना थी ग्रुप डी की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, लगा अब होगा एग्जाम, अब होगा एग्जाम, ना जाने कब होगा एग्जाम। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जिसके बारे में कुछ कहीं से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में अपने मन मस्तिष्क की स्थिति को कैसे संभाल के रखें, कैसे स्थिर रहें और कैसे अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वही सब शेयर करने जा रहा हूं। और एग्जाम के मेन डिले होने का क्या कारण है वो भी मैं यहां इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, पूरी तरह से मोटिवेशन से भरपूर ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। रियलिटी क्या है एग्जाम के डिले होने की? हम ये तो कह रहे हैं कि अगस्त हो गया, से जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर दिसंबर 2019 पूरी तरह से खत्म हो गया, जनवरी भी खत्म होने के कगार पर है, और एग्जाम का पता नहीं कि फरवरी में भी होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा या मई में होगा, पता नहीं कब होगा। तो स्टूडेंट सबसे मेन कारण है यहां पर एग्जाम के ना होने का, वहां सबसे पहले दो कारणों पर मैं बात करूंगा, दो मेन कारण है। एक तो आरआरबी ऑलरेडी जो पिछले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम में इतना ज्यादा बिजी है कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया, ठीक है। और दूसरा जो मेन मुद्दा था वो वेंडर को लेकर इशू चल रहा है, अभी तक वेंडर ही फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी दी जाती है जिस वेंडर को दी जाती है वो अभी तक फाइनलाइज स्टूडेंट कर ही नहीं पाई है अभी तक आरआरबी। अब आप ये पूछेंगे कि जब पहले से एग्जाम होता आ रहा था तो अचानक से ये वेंडर को हटाने का सिलसिला क्यों बना, क्यों स्थिति बनी कि वेंडर को यहां पर हटाया जाए? तो स्टूडेंट यहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए, जैसे आरपीएफ का एग्जाम हुआ या आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई, कुछ ऐसी इलीगल तरीके से चीजों को देखा गया जो सही नहीं था, इसी वजह से वहां पर वेंडर से जो वेंडर जो सिफी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता था, जो नेटवर्क जो होता है ना, जो नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, तो सिफी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो उससे ये जिम्मेदारी यहां से यहां पर खत्म कर दी गई है, ठीक है। इसीलिए आरआरबी ने डिसाइड किया कि एक नया वेंडर उसको ये जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन फाइनली अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया कि एग्जाम कंडक्ट कौन करा पाएगा, ठीक है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस महीने के अंत तक, यानी कि जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आरआरबी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आपको यहां पर एक न्यूज देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद ही हम कर सकते हैं क्योंकि यहां पर अभी तक हमने जो कहा आपसे कि एग्जाम दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा, लेकिन वही है ना कि हम जो न्यूज हमें जैसे मिल पा रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो आरआरबी जानती है ना, और आरआरबी भी नहीं जानती। सही कहूं तो कभी कभी ऐसा होता है जब डिपार्टमेंट में चीजें चल रही होती है कि हाँ इस डेट तक हम इस चीज को करा लेंगे, लेकिन कई बार जब काम चलता है आगे धीरे धीरे प्रोसेस में चलता है तो प्रोसेसिंग में कभी कभी हो जाता है कि टाइम से चीजें नहीं हो पाती। तो इसी वजह से 31 दिसंबर भी मैंने आपको डेडलाइन बता दी थी कि शायद 31 दिसंबर तक कोई ना कोई न्यूज निकल कर आए, लेकिन कोई न्यूज नहीं निकल आ पाई, ठीक है। और यहां पर एक बात और स्टूडेंट बन रही है, कुछ मैंने यूट्यूब चैनल्स को भी देखा यहां पर, ठीक है, तो वहां पर सीईटी का एक मुद्दा यहां पर आ रहा है। सीईटी आप समझ सकते हैं, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये सीईटी का मुद्दा क्या है, ये सीईटी है क्या, ठीक है। तो सीईटी की जो बात आ रही है वो केवल आज की बात नहीं है, ये पिछले तीन सालों से ये मामला गरमा रहा है सीईटी को लेकर। अब सीईटी है क्या, देखिए सीईटी में क्या है बच्चों की जो भी हमारा एग्जाम है, अभी आरआरबी करा रही है, एक एसएससी एग्जाम कराती है, एक आईबीपीएस बैंक आपका अपना एग्जाम कराती है, ठीक है। तो अब सीईटी के आने से क्या होगा कि जो भी हमारा जो स्टेज वन एग्जाम होता है, जो फर्स्ट स्टेज का टीयर वन एग्जाम जिसे सीबीटी फर्स्ट बोलते हैं आप, अब उसमें क्या होगा
कि अगर सीईटी आ जाती है तो जो स्टेज वन का जो एग्जाम होगा वो फिर सीईटी के थ्रू होगा, ठीक है। अगर ट्वेल्थ लेवल पर आप एग्जाम दे रहे हैं, 10+2 लेवल पर दे रहे हैं, तो 10+2 का एक कंबाइंड एग्जाम होगा, और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर तो उसका कंबाइंड एक अलग एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब उसके बाद जब आप सीईटी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद होगी यहां पर आगे की प्रोसेसिंग, यानी कि आप एसएससी की तरफ जाना चाह रहे हैं, रेलवे की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर बैंक की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चैनल्स का यहां पर यह भी दावा है कि सीईटी की वजह से आपका ये एग्जाम डिले हो रहा है, ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो चीजें यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा बच्चों, यहां पर सीईटी बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। सीईटी का इस बार के 2019-2020 के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीईटी का यहां पर इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीईटी अगर होगा तो वो नए नोटिफिकेशन के साथ, नए प्रोसेस के साथ होगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की फेक न्यूज के चक्कर में पड़ रहे हैं तो वो आप ना पढ़े, ठीक है। हां, ये कंफर्म है कि सीईटी एग्जाम आने वाले 2020, इस पूरे 2020 में आने वाला, क्या ये तो आ चुका है, या 2021 के अंत तक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी ये इंप्लीमेंट होने वाला है 2020-2021 के अंदर कि आपके जो अब एग्जाम की प्रक्रिया है उसमें सीईटी को लाया जाए। लेकिन इस बार के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के डिले होने के पीछे ये कतई भी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट, अब मेरा यही कहना है, देखिए एग्जाम आपका फरवरी में हो, मार्च में हो, हालांकि फरवरी की संभावना बहुत कम है, मार्च की संभावना भी बहुत ज्यादा कम है। अब मैं वजह बता देता हूं, देखिए अभी तक जब वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, वेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अब पहले फाइनलाइज होगा, ठीक है, फाइनलाइज होगा, कॉलेज वगैरह जो मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं उन सभी में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उन्हीं सभी में ये सारी फैसिलिटी होती है, सीबीटी वन एग्जाम कराने की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वैसे होता है, ठीक है। तो वो सारी फैसिलिटी केवल मैनेजमेंट कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज होती है, केवल वहीं पर होती है, ठीक है। तो ऐसे में इतनी जल्दी वो भी अरेंज कराना आसान नहीं होगा, तो फरवरी में तो एग्जाम आपका इसलिए नहीं हो पाएगा। अब मार्च इसलिए आपका चला जाता है कि क्योंकि मार्च में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम है, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी इतनी बन जाती है कि मार्च का जो लास्ट वीक है वहां संभावना बनती है कि जब सीएचएसएल का एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो तब स्थिति बन सकती है कि आपका मार्च के अंत में एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो जाए। लेकिन इसकी ज्यादा प्रबल संभावना यही है कि आपका एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट हो, ठीक है। तो बिल्कुल इतना आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपके पास फरवरी है, अभी आपके पास पूरा मार्च है, तो करीब करीब 2 महीने तो आपके पास पूरे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपको विनर बनाएगी, आपकी तैयारी ही आपको सुपर बनाएगी, आपकी तैयारी ही आपको बेस्ट बनाने वाली है, ठीक है। मैं हमेशा आपको अपनी मोटिवेशनल वीडियोस में यही चीज बताकर चलता हूं स्टूडेंट, तैयारी जो है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आज एग्जाम हो जाए, चाहे आज से 10 दिन बाद एग्जाम हो जाए, चाहे 100 दिन बाद एग्जाम हो जाए, ठीक है, आपकी तैयारी आपसे कोई नहीं छीनता, ठीक है। अगर आपने उस लेवल पर तैयारी कर रखी है ना, 35,208 वैकेंसी है बच्चों, थोड़ी बहुत वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर, 35,208 पद हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। तो आपको कितने पद चाहिए? केवल एक पद चाहिए, एक सीट चाहिए आपको। 35,207 सीट से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास अवसर कितने हैं? 35,208 अवसर हैं इसमें सेलेक्ट होने के, ठीक है। तो यह चीज आप समझ कर चले, ठीक है। तो प्रिपरेशन पर मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल है। देखो ये भी चीज लाजमी है कि जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, है ना, और हम किसी एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हैं और एग्जाम में डिले हो रहा है तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, सभी के साथ होती है, एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, सभी के पास दिल है और दिल का काम होता है बहुत जल्दी इमोशन आने लगते हैं, भाई परेशान है बच्चा,
तैयारी कर रहा है, कोई घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहा है, घर से दूर रहकर तैयारी कर रहा है, घर में भी तैयारी कर रहा है, तो आ जाते हैं अड़ोस पड़ोस के ताना मारने। ठीक है, आप झेलते होगे, मैंने तो झेले थे भाई अपने टाइम में, तो मैं भी कोई अलग थोड़ी ना, सब आपके बीच में से ही बने हैं, हम भी आपके बीच में से ही आए हैं, हमने भी वो स्टूडेंट लाइफ देखी है कि किस तरह से स्ट्रगल करनी होती है, कैसे कैसे थपेड़े हमें झेलने पड़ते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, दोस्तों का मजाक, रिश्तेदारों का मजाक, तो वो सारी चीजें सब लाजमी है, सभी को झेलनी पड़ती है, लेकिन उन्हीं से निकलकर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी फिलहाल समय खराब है, 2 महीने 3 महीने तैयारी में फोकस रखो। डेफिनेटली जब आपका अच्छा टाइम कब से शुरू हो जाएगा, आपका अच्छा टाइम उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा और आप श्योर हो जाओगे कि जी बिल्कुल सीबीटी फर्स्ट एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा। आप उस तरीके से तैयार होकर पेपर देकर आए हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा टाइम उस दिन शुरू हो जाएगा कि आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा, सीबीटी टू क्लियर होगा और आगे की प्रोसेस क्लियर करते हुए फाइनली आप एक दिन इन 35,208 में से एक सीट अपनी पक्की कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों अपनी प्रिपरेशन पर मेन फोकस करो, जो भी कमियां हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी कमी कहां पर है, मैथ्स में कमी है, रीजनिंग में कमी है, जीके में कमी है, जीएस में कमी है ना, कहीं भी जिस भी चीज में कमी है इन 2 महीने में उन कमियों पर काम कर लो, है ना, ताकि जब एग्जाम देने आए देने जाओगे जब आप एग्जाम, तो वहां पर आपकी ये कमी आपके सामने ना आए। ठीक है, तो समय रहते अगर हमने अपनी कमी पहचान ली और उन पर काम कर लिया तो फिर दिक्कत किस बात की है, फिर तो 100% 35,208 सीट में अपनी एक सीट पक्की है, बिल्कुल जी पक्की है। ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर कह सको जी इस बार तो मैं एग्जाम निकाल लूंगा, इस बार मैं श्योर हूं एग्जाम निकालूंगा। ठीक है, तो यही मेरी कोशिश रहती है स्टूडेंट्स की आपके अंदर वो आग, वो एनर्जी भर देना अपनी मोटिवेशनल वीडियोज से, जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी बातों से मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो हमेशा इंस्पायर रहें और मोटिवेटेड रहें, पूरी तरह से मोटिवेटेड रहें, और अपनी तैयारी पर उनका मेन फोकस रहना चाहिए, ना इधर की ना उधर की बातों पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ताकि और भी बच्चे इन चीजों से अपने आप में परिवर्तन ला सके और मोटिवेटेड होकर अपनी पढ़ाई पर मेन फोकस कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।